मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो एक और खूबसूरत से दिन की शुरुआत हो चुकी है। खूबसूरत इसलिए बोल रही हूँ ना क्योंकि आज हवा बड़ी अच्छी चल रही है यार। मतलब अभी ना सूरज भी थोड़े थोड़े बादलों से ढका हुआ है, नहीं तो नीचे तो इतनी गर्मी है अंदर घर में कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और आज मैं ऊपर अभी इसलिए आई हूँ सुबह, कल मेरे गिन्नियों के कपड़े रह गए थे ऊपर, लेना भूल गई थी मैं, ले जाना शाम को थक गई थी तो ले नहीं जा पाई थी, तो बस मैंने कहा भी उनको भी उठा लाऊं और देख के आऊँ छत में हवा चल रही है नहीं। तो हवा चल रही है और देखिए मेरी बिंदी बिंदी सब गायब है, गर्मी से इतने पसीने आ रहे हैं ना, कुछ नहीं टिक रहा बदन में, बहुत ज़्यादा गर्मी है दोस्तों। और चलिए मैं आपको एक बार व्यू दिखा देती हूँ कैसा है आज आसमान हमारा। तो जी कुछ इस तरीके का है कुदरत का नज़ारा, देखें अभी ना सुबह पक्षियों की आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है, देखिए अभी सुनिएगा चहचहा रहे हैं सुबह सुबह पक्षी, सब काम में लग जाते हैं अपने, उन्हें तो आजकल अपने घोंसले बनाने की इतनी चिंता है कि सुबह से टहनियाँ इकट्ठी करने लग जाते हैं। ये देखिए छोटी छोटी बर्ड्स भी ना काम कर रही हैं, अभी अपने लिए मेहनत मजदूरी कर रही हैं, तो उनके मॉर्निंग रूटीन इतना बढ़िया होता है ना। और देखिए सूरज देवता आ चुके हैं आसमान में, और ये फूल वगैरह के पेड़ में आप लोग को दिखा दूँ एक बार जूम करके, गुलमोहर। एक बार मैं ऊपर से आपको अपने गार्डन का व्यू भी दिखाती हूँ। ये देखिए मेरी मधुमालती पूरी तरीके से खिली हुई है, देखिए हवा चल रही है ना, पत्ते हिल रहे हैं। ये तो मौसम फिलहाल बहुत अच्छा है और आपको मैं दिखाती हूँ मेरे गार्डन का व्यू यहाँ से। कल थोड़ी बहुत सफाई हुई है मेरे गार्डन की, तो ये रहा मेरा गार्डन एरिया, ये है मेरा आउटर गार्डन एरिया। ये देखिए पत्ते हिल रहे हैं, ये देखिए बोगनवेल दिखाती हूँ आप लोगों को मैं, तो जी आम लटके हुए लोगों के पेड़ों में, ये देखिए कुछ इस तरीके से आम लटके हुए, इधर से दिखाती हूँ और क्लोजअप अच्छा है। ये देखिए दिख रहे हैं, ये है बनारसी कहते हैं और लंगड़ा भी बोलते हैं। देखिए ये वाली बोगनवेल ना, ये मेरी फेवरेट कलर है बट मुझे मिल नहीं पा रही है, क्लोजअप में मैं आपको दिखाती हूँ गुलमोहर का ये है आपके। देखिए एक खूबसूरत सी बर्ड मेरी मधुमालती में बैठी हुई है, गई गई गई। हाय दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो जी आज का पूरा दिन बहुत ही मतलब क्या बताऊँ गर्मी वाला दिन था, पूरे दिन इतना परेशान रही हूँ मैं गर्मी से। देखिए मेरे बाल एकदम पूरे चिपकू चिपकू हो रहे हैं पसीने की वजह से, पूरे बाल चिपके पड़े हैं और ना मैं बाल खोल भी नहीं सकती, देखिए पूरा स्वेटिंग है इनमें, मैं बाल खोल भी नहीं सकती हूँ क्योंकि मुझे ना बाल खुले बालों में और ज़्यादा गर्मी लगती है। और गाइस आज पूरा दिन मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है, नीतू मेरी काम वाली आई थी बड़े दिन के बाद, तो उसको रगड़ा थोड़ा डस्टिंग वगैरह की उसके सामने मिल के, और फिर हीरा आ गई थी थोड़ा जल्दी तो काम उसके में बिजी हो गई थी मैं। और अब मैंने पता क्या किया, इस बार आम का छुंदा आम को घिस के नहीं, आम को पीसेस में कट करके बनाने के लिए रखा हुआ है मैंने, आम को कट कर लिया है पीसेस में और उसमें उतनी इक्वली चीनी ऐड करके लगभग एक या दो घंटे के लिए उसको मैं रखूँगी और फिर उसके बाद मैं उसको पकाऊँगी। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ, वाइटी दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है वाइटी क्या कर रहा है। और जी थैंक्स आप लोग के सपोर्ट के लिए, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा देर तक देखिए वीडियोस को क्योंकि वॉच टाइम बढ़ता है तो ही कुछ हम लोग को भी फ़ायदा होता है उसका, और एंटरटेनमेंट अगर आपको कुछ और चाहिए तो बस कुछ दिन का इंतज़ार करें, मेरी पूरी फैमिली आने वाली है उसके बाद, बस एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट ही होगा आप लोग का हर शो ग्रुप में, हम सभी एंटरटेनमेंट वाले हैं। तो जी बने रहिए अपने साथ और चलिए दिखाती हूँ मैं आप लोगों को अपने भाई, देखिएगा ये देखिए आप लोग पता पर्दे हिल रहे हैं, हवा बाहर चल रही है, ये देखिए
एसी मैंने ऑन तो किया है लेकिन पर्दे अभी भी हिल रहे हैं बाहर की हवा से ये। और जी चले और देखे हमारे वाइटी को। हाय वाइटा, देखिए जी वाइटी अपना बिल्कुल पैक होके बैठा हुआ है केज में। असल में ना इसको जब गर्मी लगती है तो ये काटने लगता है अपने केज के तारों को, और अभी एसी ऑन है, फैन ऑन है तो इसको अच्छा लग रहा है, तो ये आराम से उड़ आड़ के बैठा हुआ है खाना वाना खा के। नहीं उड़ के नहीं बैठा है, देखिए पता नहीं क्या सोच रहा है। वही तो कहाँ है बेबी, वही थी बेबी कहाँ है भाई, तू इधर देख, हेलो बोल दे भाई थी, हेलो हेलो। हाँ देखिए आवाज़ सुन रहा है मेरी, वाइटी से हेलो, हेलो एवरीबॉडी, मुझे भी बहुत गमी लग रही है मम्मा की तला, इसलिए मैं भी ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। हाँ मैं तो आमू खा रहा हूँ, खीरा खा रहा हूँ। पता है ये लोग ना पानी नहीं पीते हैं, लेकिन जितने भी वाटरी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं वो इन लोग उससे अपनी पानी की जो भी इनको कमी होती है वो पूरी कर लेते हैं। और अभी वाइटी देखे घुस गया अंदर अपने कपड़े के। हाँ जी चलिए अब वाइटी को हम छोड़ते हैं इसके हाल में और बढ़ते हैं आगे। मैं ना अभी अपने इस आज के ब्लॉग में अपनी और मेरी फ्रेंड की कुछ फ़ोटोज़ मैंने ली थी उधर जहाँ भी वो आई हुई थी, तो वो आप लोग के मैं ऐड करूँगी, दिखाऊँगी। मैं तो उसके सामने कुछ लगती ही नहीं हूँ, शी इज़ सो ब्यूटीफुल। अभी भी उसका चार्म वही है, फैटी तो है वो बट चार्म वही है जो उसका 20 साल पहले था। तो मैं उसको बोल रही थी तू इतरा रही है तू सुंदर लग रही है उससे ज़्यादा, सच में बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। और पता है आज मैंने उसको फॉलो किया है, देखिए मैंने भी आज काजल लगाने की कोशिश की है, मेरा ना हाथ कांपता है पता नहीं क्यों काजल लगाने में, मैं कर नहीं पाती मेकअप, मैं बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, बहुत टफ काम है ये। और उसको देख के मैं इनकरेज हुई हूँ और मैंने आज लगाया है। और एक और फ्रेंड है मेरी चाइल्डहुड मिथिलेश, वो गई हुई है शिरडी दर्शन करने, उसकी भी वीडियो कॉल आई थी मॉर्निंग में, उसका भी एक फ़ोटोग्राफ मैं हम तीनों फ्रेंड्स के फ़ोटोग्राफ इस ब्लॉग में शेयर करूँगी आप के साथ। तो जी वो जो है आशिकनाथपुर के दर्शन करके आ गई है, उसने शिरडी के दर्शन कर लिए हैं बट आज वो लोग वहीं स्टे करने वाले हैं, शिरडी साई बाबा ट्रस्ट का बना हुआ है एक गेस्ट हाउस उधर, और कल वो लोग वहाँ से मूव करेंगे। तो आज ही मेरी उससे बात हुई थी एंड शी इज़ फीलिंग सो हैप्पी कि उसने दर्शन भी कर लिए, उधर वेदर बड़ा अच्छा है, हवा वगैरह चल रही है। तो और शालू से बात नहीं हो पाई है अभी, वो पता नहीं पहुँची है नहीं पहुँची है दिल्ली, अभी मैं उससे बात करती हूँ फिर आप लोगों को बताती हूँ कि क्या हाल है हमारी मोटो के। तो जी अभी करती हूँ मैं ब्लॉग यहीं पर एंड, और मिलूँगी आप लोगों से शाम के समय में, क्योंकि थकान हो रही है ना बहुत ज़्यादा, और अब मुझे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना है। तो गाइस बाय टू ऑल ऑफ यू।